बीटी ऑफ मैथ्स पार्ट वन। मैथ्स बहुत ही ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है और बहुत ही इजी सब्जेक्ट। कुछ बंदों को लग रहा होगा कि यार ये ऐसे कैसे बोल रहा है, हमें तो मैथ्स बहुत टफ लगती है, इसको सॉल्व करना बहुत टफ है, क्वेश्चन समझ में नहीं आते, प्रॉब्लम आती है तो हम अटक जाते हैं। लेकिन यकीन माने दोस्तों, अगर हम मैथ्स को सही तरीके से समझें, इसके सारे मेथड को समझ ले, इसके सारे फॉर्मूलों को समझ ले, क्योंकि मैथ्स में हर एक सॉल्यूशन का, हर एक प्रॉब्लम का एक परफेक्ट वे है, एक परफेक्ट सॉल्यूशन है, एक तरीका है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, एक फॉर्मूला होता है, हर किसी क्वेश्चन का एक मेथड होता है। अगर उस मेथड को समझ ले, उस फॉर्मूले को समझ ले, तो हमारे लिए मैथ्स को सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा, यकीन माने। और मैं इस चीज़ को बोलता हूँ ब्यूटी ऑफ मैथ्स, क्योंकि मैथ्स में बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं, बहुत से ऐसे इक्वेशन हैं जिनका अगर हम सॉल्यूशन देखेंगे तो इतना मैजिकल और इतना ब्यूटीफुल सॉल्यूशन है कि देखते ही हमारे मुंह से निकल ही जाता है कि यार ये है मैथ्स। चलिए उन्हीं ब्यूटीफुल मैथ्स में से कुछ एक सॉल्यूशन देखते हैं। अगर एक फ्रैक्शन देखें 1998001, दिखने में आसान सा है, अगर इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे तो अब वैल्यू आएगी हमारी 5 times of 0 1, अगेन 0 2, 2 times 0 3, 2 times 0 4, 2 times 0 5, 2 times 0 6, 2 times 0 7 एंड सो। अगर इस वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्यूशन हमारे क्या पास आएगा, 5 times 0 को छोड़ के कंटिन्यूसली हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 आता जाएगा। और अगर हम इसका वैल्यू निकालेंगे 9801 का, तो क्या होगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 99 स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर इसका हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 times of 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 एंड सो। ये वैल्यू क्या होगी, 80। अगर 9 स्क्वायर का हम निकालें, सबसे पहले देखा था हमने वो क्या था, 999 स्क्वायर की वैल्यू थी। अगर सिंगल 9 स्क्वायर का हम वैल्यू देखेंगे तो सिंगल 9 स्क्वायर क्या हो गया, 1/81, और इसका सॉल्व करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, 0.01234567 89 एंड सो ऑन, वापस रिपीटेडली वही वैल्यू आती जाएगी। इसको अपोजिट अगर हम सॉल्व करें, इसकी ब्यूटी ऑफ मैथ देखिएगा, 0123 अगर इस वैल्यू को हम अगर वापस लिखें यहाँ पे 9, और अगर इसको ये 9 times अगर 9 से डिवाइड करें, अगर इसको 9 times 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 1/81। अगेन हमारे पास वैल्यू ये वाली आ जाएगी, है ना ब्यूटीफुल मैथ्स। अब अगर हम कहें कि इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 1/4 times 9 का, ट्राई कीजिए, समझ में ज़रूर आएगा। अगर सॉल्यूशन मिले तो कमेंट्स में हमें सॉल्यूशन ज़रूर लिखिएगा, आपके सॉल्यूशन का मुझे इंतज़ार रहेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और हमारे अगर अभी तक हमारा इजी मैथ अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।